हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टिव एकेडमिक्स। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फोर्थ, विच इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है पढ़ना। ऐसा क्यों? बिकॉज कार्बन एक काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स में से एक है। कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स, कार्बन अलग अलग फॉर्म में आपको यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में डेफिनेटली देखने को मिल जाता है, राइट? ऐसा कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं बोलता हूँ। स्पेसिफिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, वेदर वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट? अगर मैं ह्यूमंस की ही बात कर लेता हूँ तो आपके देखो हर एक सेल में कार्बन प्रेजेंट है। आपके ब्लड में कार्बन प्रेजेंट है, आपकी बोन्स में कार्बन प्रेजेंट है, आपके मसल्स में कार्बन प्रेजेंट है, आपके हेयर में कार्बन प्रेजेंट है। ओके, सो एज यू कैन सी, आपकी बॉडी में कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कितना ज़्यादा? यू कैन इमेजिन कि आपका जो बॉडी वेट है उसका अराउंड 18% जो वेट होता है दैट कम्स ड्यू टू द कार्बन। सो आपकी बॉडी में कितना कार्बन प्रेजेंट है आप इस तरह से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके बॉडी वेट का जस्ट 18% कैलकुलेट आपको करना है एंड क्लियरली यू कैन सी इट विल बी अ ह्यूज नंबर, राइट? उसके अलावा जो आप खाना खाते हो, राइट, कोई भी वो फूड हो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, राइट? लेट से आप खाना खा रहे हो, वीट का कुछ बना हुआ है, कोई राइस की कोई चीज़ बनी हुई है, उसमें कार्बन डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। जो आप ड्रिंक करते हो उसमें कार्बन प्रेजेंट है, राइट? सो यू कैन क्लियरली सी कि कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बनती है, राइट? इवन जो ग्लूकोज है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, राइट, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। यू कैन, आपको फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6, सो क्लियरली उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, राइट? सो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से कार्बन के लिए स्पेसिफिकली एक चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है आपकी क्लास 10th की साइंस की बुक में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आउट ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कार्बन के कुछ ऐसे खास तौर पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, और उनके केमिकल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और उनकी एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, राइट? दैट इज द मेन थिंग। सो फर्स्ट कंपाउंड जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज द मीथेन। मीथेन इज अ गैस, बाय द वे, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH4। मीथेन गैस कहाँ पे नेचुरली आपको मिलती है ये आपको जनरली पता होना चाहिए, जरूरी नहीं एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाए, बट इट्स गुड टू नो। जो वेटलैंड्स होते हैं स्पेसिफिकली वहाँ से प्रोड्यूस होती है जो मीथेन गैस है। हाउ? वेटलैंड्स में से कैसे? बेसिकली देखो, पानी के नीचे जब कोई भी लेट से डेड एंड डिकेइंग मैटर है, राइट, वो जो डिग्रेड होता है बाय द बैक्टीरियल एक्शन, और स्पेसिफिकली किस तरह के बैक्टीरिया जो उसको एनारोबिकली डिग्रेड करते हैं, उस पर्टिकुलर डेड एंड डिकेइंग मैटर को जो डिग्रेडेशन हो रही है विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन, राइट, उस प्रोसेस में यहाँ पे प्रोड्यूस होती है द मीथेन गैस CH4। सो वेटलैंड जिसका मेजर सोर्स है, इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल ऑल्सो, जो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, ये गैस होती है मीथेन। उसके अलावा दैट इज द इथेनॉल। इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला बनता है दैट इज CH3COOH, इसको ऑल्सो बाय द वे इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो इसकी एप्लीकेशन बनती है दैट इज यूज इन द हैंड सैनिटाइजर्स। ओके, वट एल्स? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो आपने देखा हुआ है मूवीज में, अक्सर उसको दिखाते हैं कि हैंकी के ऊपर, हैंडकरचीफ के ऊपर थोड़ी सी क्लोरोफॉर्म डालकर पर्सन के ऊपर बेहोश करने के लिए, राइट, यूज़ की जाती है बाय द किडनैपर्स। ऑल दो इसका जो एक्शन होता है वो इतना जल्दी नहीं होता, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, राइट, जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता है कि थोड़ी सी क्लोरोफॉर्म लगाकर कुछ सेकेंड्स के लिए आप इस तरह से उसको पर्सन को बेहोश कर देते हो, इतनी जल्दी क्लोरोफॉर्म एक्ट नहीं करती है, दिस यू मस्ट नो। ओके, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या बनता है? CHCl3। ओके, वट एल्स? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये तो दोनों गैसेस हैं, ब्यूटेन भी गैस है, प्रोपेन भी एक गैस है, दोनों कार्बन के कंपाउंड्स हैं, और दोनों किस चीज़ में यूज़ होती हैं? इन द LPG गैस सिलेंडर्स। जो गैस सिलेंडर्स आप किचन में यूज़ करते हो टू कुक द फूड, उसमें ये दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ब्यूटेन इज द मेजर पार्ट, एंड उसके अलावा जो प्रोपेन गैस है वो भी उसमें प्रेजेंट होती है। बाय द वे, इन दोनों गैसेस की स्मेल नहीं होती है खुद की, लेकिन स्टिल आपने नोट किया होगा जब LPG जो गैस सिलेंडर होता है वो लीक हो रहा हो अगर, तो आपको स्मेल आती है। बट वो स्मेल कैसे आ सकती है अगर ब्यूटेन की खुद की कोई स्मेल नहीं है और जो प्रोपीन है उसकी भी कोई खुद की स्मेल नहीं है? फिर किस तरह से स्मेल आती है? बिकॉज उसमें एडिशनली एक कंपाउंड ऐड किया जाता है विच इज़ द इथाइल मरकैप्टन। इस वजह से इसको ऐड किया जाता है बिकॉज इन दोनों गैसेज की, ब्यूटेन और प्रोपीन की, तो खुद की स्मेल है नहीं, और अगर देखो बिल्कुल भी उसकी स्मेल नहीं होगी तो लीकेज का हमको बिल्कुल पता नहीं लग सकता कि गैस लीक हो रही है, और अगर इस तरह से गैस लगातार लीक होती जाए तो ऑफकोर्स इट कुड बी वेरी हैजार्डस, राइट? सो इस वजह से उसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का एक कंपाउंड ऐड किया जाता है टू गिव दिस स्मेल।
देन द इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड को एसिडिक एसिड भी बोला जाता है. एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड को किस में यूज़ किया जाता है? इन द विनेगर. जो सिरका आप यूज़ करते हो, सिरका भी किचन में यूज़ किया जाता है, राइट? किसी भी लेट से फूड को थोड़ा खट्टा टेस्ट देने में, नूडल्स वगैरह में, फास्ट फूड में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है. ओके, सो बाय द वे यू मस्ट रिमेंबर, जो विनेगर होता है दैट इज़ वेरी वेरी डाइल्यूटेड. ठीक है, सिरका जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, उसमें काफ़ी हद तक पानी ऐड किया जाता है. जो सिरका है, विनेगर है, दैट इज़ अराउंड, जो उसका सोल्यूशन है, इट इज़ 4-5% एसिडिक एसिड. उसमें सिर्फ 4-5% एसिडिक एसिड होगा, बाकी जो 96-95% पार्ट है दैट इज़ द वाटर, राइट? सो ये कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के, उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है.